इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इतने हम आप ईएमएफ इक्वेशन कि आप समझना है कि जदों भी अपलाइड वोल्टेज जी है वो असी ट्रांसफार्मर की प्रायमरी वाइंडिंग देवे, जो भी आप वोल्टेज अपलाई करा प्रायमरी वाइंडिंग कनैक्ट करा प्रायमरी वाइंडिंग के आप जो कनैक्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स में की होगा कोई करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इस करंट करके की आ प्रायमरी वाइंडिंग से मतलब कोर दे विच की आ अल्टरनेटिंग फ्लक्स जी सैटअप हो जाएगी, जो भी वोल्टेज जी दिती जाएगी प्रायमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर तो की होगा कि फ्लक्स जी सैटअप हो जाएगी कोर दे विच, फ्लक्स जी कोर दे विच सैटअप हो जाएगी। जी फ्लक्स होएगी ये होएगी सिनोसाइडल फ्लक्स होएगी। ठीक है, कि फ्लक्स होएगी साइनोसाइडल फ्लक्स होएगी। ठीक है, साइनोसाइडल फ्लक्स होएगी। हम साइनोसाइडल फ्लक्स की है जी विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, टाइम के नाल चेंज हो रही है। ओके, हम जी फ्लक्स अपनी इंड्यूस हुई है, अपनी फ्लक्स जी सैटअप हुई है कोर के, वो किस नेचर की होएगी, वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होएगी। ठीक है, सिनोसाइडल फ्लक्स होएगी। आज जिमें कि आ देखो वो भी जिदा भी अपना अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है उस तरीके दे नाल, वो भी अपनी डायरेक्शन ते मैगनीट्यूड जी विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज करेगी। तो इनू आप कह देंगे पॉजिटिव कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल करके जी फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, तो ये की है नैगेटिव साइकिल करके जी इतने माइनस का साइन लगा देंगे, नैगेटिव साइकिल करके फ्लक्स जी प्रोड्यूस हुई, ये की आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाय टाइम है ना, टाइम के इक्वल होंगे, टाइम होंगे वन बाय एफ द इक्वल, वन बाय एफ द इक्वल होंगे। हम इस केस दे विच की करांगे, आपां हाफ साइकिल लै लांगे। हाफ साइकिल केड़ा लै लिया है, हाफ साइकिल लै लिया है कि नेगेटिव मैक्सिमम, तो इधरों के आप लै लाँगे इधरों जो टाइम टाइम लिया आप लवेंगे वो की है पॉजिटिव मैक्सिमम हाफ साइकिल लै लाँगे। तो ये हाफ साइकिल हो गया क्योंकि इधर कुछ पोर्शन आप छड़ता है, वन फोर्थ इधर पोर्शन छड़ता है, तो वन फोर्थ ही इधर पोर्शन छड़ देंगे। ये की आ गया टू वन बाय टू एफ, वन बाय टू एफ, वन बाय एफ की आ गया फुल साइकिल की गल करते पे ही, तो वन बाय टू एफ का मतलब की है हाफ साइकिल की गल करते पे हैं। ये आप पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स तो लैके नैगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स लिया तक लिया है जी वैल्यू है। हूँ ये कुछ मैं टर्म्स लिख दिना वा, जिदा मान लो कि फाई एम वा, फाई एम की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इन वेबर, वेबर की है फ्लक्स का यूनिट है। एफ की है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एन वन की है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, प्राइमरी वाइंडिंग जिहड़ियां टर्न्स ने। ते एन टू की होएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। हुण इहनू आपां वन बाय स्टैप बाय स्टैप आपां समझण की कोशिश करांगे इस फिगर दे विच देखदे हां। ठीक है, इस डायग्राम दे विच की सानूं आपां देखदे पए हां जिहड़ी फ्लक्स साडी चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंजस फ्रॉम, चेंजस फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स जिहड़ी आ पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स टू। ठीक है, इतने तुम देख सकते जे पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स है, इतने वैल्यू जी ये मैक्सिमम है। ठीक है, डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है, टू नैगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स इन आ हाफ साइकिल, इन आ हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ गया ये वन बाय टू एफ, वन बाय टू एफ मतलब हाफ साइकिल की गल की है, इस करके कि आ गया वन बाय टू एफ आ गया। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स यदि वैल्यू कितने इक्वल आ जाएगी फाइव एम। ठीक है, पॉजिटिव वाला ले लिया नेगेटिव। ठीक है,
ਕਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ 1/2 f ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ t ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/f ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 φm ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1/2f। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੈਨ, ਇਹ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਹੁਣ 4। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ, 4f φm ਵੈਬਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੈਬਰ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਫਲਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਵੈਬਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਕੇਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਐਮਐਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਵਰੇਜ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ, ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਪਰ ਟਰਨ, ਪਰ ਟਰਨ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 4f φm। ਈਐਮਐਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੋਲਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਫਾਰ ਸਿਨੋਸਾਈਡਲ, ਫਾਰ ਆ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਵੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਏਸੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ। ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ, ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ। ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.07 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 0.37। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਐਮ ਔਰ ਵੀ ਐਮ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਏ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਔਰ ਵੀ ਐਵਰੇਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.11, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ, ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ, ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਈ ਐਮ ਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਪਰ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸ ਈ ਐਮ ਐਫ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 1.11, ਤੇ ਹੁਣ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈ ਐਮ ਐਫ, ਈ ਐਮ ਐਫ ਪਰ ਟਰਨ, ਪਰ ਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਈ ਐਮ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ, E is equal to 1.11 into average value, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 1.11 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5m, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ 4.44f φm, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸੀ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਵ, ਸਿੰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਵ ਐਨ
वन एंड एन टू टर्न्स रिस्पेक्टिवली एन टू टर्न्स ओके हूँ की करना है आप कि जी ई एम एफ इंड्यूस हुई है प्राइमरी दे विच ते उनु आपां ई वन कह देंगे तो जी एवरेज आर एम एस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ई एम एफ इनू आपां एन वन दे नाल मल्टीप्लाई करा देंगे ओके इत मैं तो लिख दिना आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड EMF induced in primary ठीक है हम primary की गल की इतने की लिखता E1 लिखता मैं is equal to EMF induced per turn वो कि 4.45 MF ठीक है into अपना primary turns के नाले नू multiply करा देंगे तो प्रायमरी दी टर्म्स कितनी हो गई एन वन हो गई इस करके जी प्रायमरी दे विच ईएमएफ इंड्यूस होएगी वो किहदे इक्वल आ जाएगी वो आ जाएगी ई वन इज इक्वल टू 4.44 एन वन एफ 5 एम वोल्ट सिमिलरली आप सेकेंडरी की गल करिए आर एम एस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड induced in secondary ye ki aa jayega e2 is equal to 4.44 5m into n2 eda unit ki hoega volt hoega te ek edi value kinni aa jayegi e2 is equal to 4.44 n2 F 5m वोल्ट ओके इस तरह आप मतलब ई एम एफ इक्वेशन जीडिया प्राइमरी ते सेकेंडरी दिया दोनों आप फाइंड कर लेंगे ठीक है तो हुण इत्थे भी तुसीं टर्न रेशो कढ़नी चाहो तो बड़े वधिया तरीके नाल कढ़ सकदे जे वोल्टेज रेशो कढ़नी चाहो तो टर्न रेशो कढ़नी चाहो वोल्टेज रेशो या टर्न रेशो कुछ भी तुसीं कढ़नी है तो फाइंड कर सकदे ई टू ई वन इज इक्वल टू 4.44 एन टू 5 m डिवाइडेड बाय 4.44 एन वन एफ 5 m आ सारिया टर्म्स आपस कैंसल हो जाएंगी सिर्फ की बचेगा साढ़े को ई टू ई वन इज इक्वल टू एन टू एन वन एक इक्वल आ जाएगा के इक्वल आ जाएगा ठीक है कई केसिस दे विच की हुंदा है कई केसिस दे विच जिहड़ी फ्लक्स नहीं सानू दित्ती हुंदी फ्लक्स डेंसिटी दे दिंदे ने कई केसिस इदां दे होणगे उहदे विच सानू फ्लक्स जिहड़ी आ 5 m नहीं दित्ती होएगी उत्थे की सानू एक एरिया दे देणगे एक सानू फ्लक्स डेंसिटी दे देणगे फ्लक्स डेंसिटी दे देणगे ठीक है उस केस दे विच तुसीं की करना है जिहड़ी फ्लक्स डेंसिटी हुंदी है बी बी जे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दी गल करिए उह की हुंदी है फ्लक्स पर यूनिट एरिया फ्लक्स पर यूनिट एरिया उस केस दे विच की करोगे तुसी जे तुहानू एरिया ते फ्लक्स डेंसिटी दित्ती हुई है ते तुसी 5 m दी जगह ते की पुट कर दोगे बी एम ई एरिया ते एरिया ठीक है एरिया ते होर की पुट कर दोगे नाल दी नाल फ्लक्स डेंसिटी ठीक है जे फ्लक्स नहीं तुहानू दित्ती हुई ओके ए इक्वेशन में तुहानू बना के दस दिंदा किदां बनेगी ई वन इज इक्वल टू 4.44 एन वन एफ इत की आ जाएगा बी एम ठीक है 5 m की जगह पर मैं की पुट करता बी एम एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ये की आ जाएगा वोल्ट सिमिलरली जो आप सेकेंडरी की गल करिए 4.44 एन टू एफ बी एम ए इतों सू पता चलता है कि जी ई एम एफ होंगी है इंड्यूस होंगी है कि प्रोपोर्शनल होंगी है एन वन दे नंबर ऑफ टर्न्स दे जे नंबर ऑफ टर्न्स वधाई जावांगे तो ई एम एफ जी भी बधी जाएगी सैकेंडली फ्रीकुएंसी दे फ्लक्स दे फ्लक्स डेंसिटी दे ठीक है सारियां जिहड़ियां एक दूजे दे प्रपोर्शनल ने ओके स्टूडेंट्स